अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुमकिन है कि प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट शहरयार खान शेरवानी। आज मैं बहावलपुर में आया हूं और यहां दोबारा चौक है, बड़ा फेमस है, फ्रीद गेट के पास ही रहते। इधर आप बहुत ही मौसम टेस्ट है, बहुत माइंड ब्लोइंग है, टोटली हाइजेनिक है और बहुत ही अच्छे इन्वायरमेंट में तैयार करते हैं। इनका मटेरियल बड़ा अच्छा होता है। आप यहाँ आएँ तो सस्ते रेट पर आप ये रेट दिखा सकते हैं, इतने नॉर्मल रेट हैं और इन रेट्स के अंदर आपको बहुत हाइजेनिक बर्गर प्रोवाइड करते हैं। आज हम आपको इन भाई से मिलवाएंगे और बताएंगे कि उन्होंने काम कैसे स्टार्ट किया। अगर आप भी काम करना चाहते हैं तो ये आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे और आपको बहुत मुफीद मालूम देंगे। तो चलते हैं भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, शुक्र है, आपकी दुआएं चाहिए। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम वसीमुर रहमान है। वसीमुर रहमान साहब जी। सर वसीम भाई माशाल्लाह यंग और स्मार्ट आप हुए हैं और बहुत अच्छा पॉइंट आपने बनाया है। और माशाल्लाह जब से मैं यहाँ खड़ा हूँ तो देख रहा हूँ कि बहुत माशाल्लाह अच्छे कस्टमर्स आ रहे हैं और आपकी मुसलसल आपके बंदे लगे हुए हैं। और फिर मैंने खुद बर्गर खाया आपका, आपका नाम सुना था, टेस्ट किया तो रियली अमेजिंग था। मैं नहीं चाहता कि मैं KFC या मैकडॉनल्ड जाके काम का पैसा ज़ाया करूं, तो मैं प्रेफर करूंगा इधर आऊं और आपके ये बेहतरीन जो बर्गर हैं यहाँ से टेस्ट करें। इसमें आप बर्गर भी दे रहे हैं, अंडा शामी चिकन और डबल अंडा रोल, शवारमा, अंडे वाला शवारमा एक नया है, नई चीज़ है, फिंगर चिप्स हैं, जिंगर बर्गर और चिकन शामी। सर ये कब से काम माशाल्लाह स्टार्ट कर किया हुआ है आपने? मैं माशाल्लाह से ये 6 सालों से काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह सबसे पहले मैंने छोटा सा एक पॉइंट रेडी पे लगाया था। अच्छा, वो रेडी में इस टाइम चौक पारे में मौजूद है, वो मैंने सेल कर दी, उसमें से कमेटी डाली थी, फिर मैंने ये बनाया। माशाल्लाह तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसके बनाने से, साफ सुथरा काम करने से मेरा काक और भी ज़्यादा बढ़ा। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। सर मैं अगर देखूं तो आपने माशाल्लाह दो बंदे माशाल्लाह ये हायर किए हुए हैं, फिर एक आपका ये बहुत बड़ा एक्सपर्ट किस्म का वेटर है तो ये भी बड़ी अच्छी मार्केटिंग करता है और सेल भी करता है साथ। तो अगर किसी भाई ने ये काम स्टार्ट करना हो सर, तो आपने मोटरसाइकिल रिक्शा बनाया हुआ है और उसमें पूरा फ्रेम बनाया हुआ है, तो सबसे पहले तो बताइए मोटरसाइकिल रिक्शा कितने का मिल जाता है? मुझे तो इसमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा क्योंकि ये भावलपुर में सबसे न्यू चीज़ ये मैं लेके आया हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, उन्होंने नकल की है लेकिन मुझसे मशवरा नहीं किया। किसी ने पेनाफ्लेक्स लगा दिया, किसी ने लकड़ी का अंदर काम कर दिया, किसी ने लोकल शीट का काम कर दिया। सही, अगर मुझसे मशवरा करता तो मैं उसे अच्छे से अच्छा मुफीद मशवरा देता। यानी लोगों ने आपको कॉपी करके और नकल करने की कोशिश की, आपसे मिल लेते तो अच्छा मशवरा मिल जाता, मगर हम ये मशवरा लोगों तक, दुनिया तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। जरूर जरूर। तो ये बताए सारा शुरू से लेके आखिर तक किस तरह से कितनी कॉस्ट आई? माशाल्लाह से ये बनाया तकरीबन 10 सीटें इसके ऊपर लगी हैं PVC की। कितनी सीटें? 10 सीटें PVC की लगी हैं। ठीक है, तो एक इसका फ्रेम बनवाया मैंने। ठीक है, नीचे जो बेस है इसकी बहुत मजबूत बनाई है कि इसके अंदर आप 5 बंदे भी खड़े कर देंगे तो ये लचक नहीं मारेगा। जबरदस्त, ठीक है। उसके बाद मोटरसाइकिल मैंने लोकली लगा दिया क्योंकि इतना वेट नहीं है शीट का। सही है, और हम खाली खड़ा करके आते हैं, सारा सामान जो है ना वो घर चला जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर कॉस्ट आ गई है 5 लाख। 5 लाख। हाँ, इसमें ये फ्रेम जो है PVC का ये कितने का तैयार हुआ? ये PVC का फ्रेम भी अंदर है और इसमें तकरीबन 50,000 जो है ना उसकी उजरत है, उसमें लोहे का काम भी। अच्छा अच्छा, मजदूरी है भी, मैकेनिकल सारा कुछ उसी को ठेका दिया मतलब। और ये 5 लाख में शामिल है? हाँ जी, ये 5 लाख में। इसकी मेंटेनेंस भी वो करता है कि बस? सारा कुछ वही उसने किया। अच्छा, करके एक दफा दे दिया आपको, तैयार कर दिया? उसे डिजाइन बताया कि सर ये चीज इधर होनी चाहिए, ठीक है, प्लेट इधर होनी चाहिए, ठीक है, सामान रखने के लिए जगह इधर हो, ठीक है, हमने उसे आइडिया हमने दिया था। ठीक है, उसने कहा जी आप हमें ना आइडिया दे दे, आगे मैं नाम है दूंगा। हाँ जी, ये बंदा कहाँ है, कहाँ से मिलेगा ये? सर वैसे बंदा जो है वो मेरा कजन ही है। चले आपसे रब्ता करके मिल जाएगा उसका। हाँ नंबर, ठीक है। माशाल्लाह से दुबई में वो ये काम करता है किचन का। माशाल्लाह, ये चीजें वगैरह ना डिस्पोजेबल किचन बनाता है। ठीक है, तो इधर रहता है, भावलपुर में ही रहता है। ठीक है, जब भी किसी को जरूरत होगी तो आपसे रब्ता कर लेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें सर और क्या क्या अंदर चीजें डलती है, उसकी प्राइस क्या है? जिस तरह की हॉट प्लेट कितने की है? हॉट प्लेट मैंने बनाई है 15,000 की। 15,000 की। इसके अलावा सारी चीज़ें? इसके अलावा वो सामने बॉक्स बनाया है, हीट बॉक्स है, उसके अंदर चीज़ गर्म रहती है। बेटा ये खोल के दिखाओ। अच्छा, ये हमारे पास रश वगैरह होता है ना, हीट बॉक्स है, कम से कम 10 से 12 एक्स्ट्रा बना के रखते होते हैं। ठीक है, रश के दौरान। राइट, फिर साइड पे बॉक्स अलग लोहे का एक बॉक्स बनाया है जिसमें बटर पेपर वगैरह
साइड पे शेल्फें वगैरह बनाई हैं कि उसके अंदर हम सामान वगैरह रख अंदर से देख सकता हूँ। हाँ जी अंदर से आ। अच्छा ये हमने सामान के लिए जगह बनाई है, कैबिनेट्स बड़ी अच्छी बनाई हुई है। बिल्कुल ठीक है जी। इसके अंदर हमारा मटेरियल वगैरह पड़ा हुआ है। ये नीचे एग के लिए बनाया हुआ हमने राइट। और ये शॉपर वगैरह रखे हुए हैं। ये नीचे इसका जिंगर बर्गर वगैरह हमने रखा हुआ है। ये हीट है। अच्छा अच्छा। इसके अंदर सारी हीट है। ठीक है, इसी की हीट आ रही है। बिल्कुल हीट है। ठीक है ठीक है। चीजें वगैरह और ये फैन लगाया हुआ है। हाँ जी ये देख रहे हैं, ये हमने यहाँ सिलेंडर रखा हुआ है। एक सिलेंडर। हाँ जी एक सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक है। बकाया दूसरा जो है वो हमारे पास स्पेयर और लाइट्स लगाई हुई हैं। और ये लाइट चलती बैटरी पे? बैटरी पे भी है और 220 भी है और दूसरा भी है बिजली पे भी है। बिजली भी साथ की हुई। तो उसका रेंट कितना देते हैं आप इलेक्ट्रिसिटी? इसका रेंट जो तो कोई नहीं है, तालुक बेस पे हम खड़े हैं सरकारी। अच्छा 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 ठीक है। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है माशाल्लाह। अच्छा सर ये आप टोटल कितना इसमें जो आप डेली का यानी कि इसमें जो सामान लगता है यानी कि ब्रेड लगती है? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं 50 एक पैकेट बर्गर के निकाल देता हूँ एक दिन में। हाँ जी माशाल्लाह। और कम से कम 40-50 शॉर्मे के निकल जाते हैं। जबरदस्त। 35-40 पैकेट मेरे जिंगर के निकल जाते हैं। ठीक है। 100-150 शामी निकल जाती है। ठीक है। ये माशाल्लाह कर करा के अच्छी माशाल्लाह। तो एक राउंड बर्ड एवरी जगह देखे तो मंथली आप कितना माशाल्लाह कमा लेते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादी शुदा हूँ, 3 मेरी बेटी है माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे। बाद बच्चे काम कर रहे हैं माशाल्लाह, सबका सर्कल मेरा शुक्र है। तो मुझे एक बात बताएं, एक बड़ी पते की बात कि आजकल ज्यादातर लोग ये काम इसलिए नहीं कर पाते कि वो खुद नहीं खड़े हो सकते, बंदे खड़े करें, बंदे मेहमान होते हैं और फिर आपका काम बैठ जाता है। आपने 5 बंदे खड़े किए हैं और मैंने सुना है कि आप कभी भी आते हैं थोड़ा सा बैठ के देखे चले जाते हैं। सबसे पहले मैं जो भाई ये काम करना चाहते हैं उन्हें मैं ये बताना चाहता हूँ कि काम वो शुरू करें जो वो आप खुद काम जानते हो। ठीक है। जो काम नहीं जानता वो ना करे, नुकसान होगा। मैं आपको काम करता हूँ, मुझे पता है कि मैंने इन्हें चिकन दिया है, इतने चिकन में इतने बर्गर बनेंगे, इतने शॉर्मे बनेंगे, या मैंने इन्हें इतनी शामी दी है, पैकेट मैंने किनके दिए हुए हैं। वैसे भी शुक्र अंदर यानी कि आपके पास पूरी कैलकुलेशन है कि ये चीज दी है इतने की जाएगी जाएगी, आज इतने पैकेट बनेंगे तो इतनी एवरेज जाएगी। ठीक है। उसके अलावा भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे भाइयों जैसे जो है ना कारीगर मिले माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सबसे बड़ी बात है। मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, मेरे हमदर्द जो है ना मुझे कारीगर मिले, कोई शक नहीं है। अच्छा अगर कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं उसको क्या अहम बातें बताना चाहेंगे जो मैटर है जो उसके लिए फायदेमंद हो और किन चीज़ों से उसको नुकसान हो सकता है? सबसे पहला है कि अगर वो काम स्टार्ट करना चाह रहा है तो इतनी उसके अंदर पैसे नहीं कि वो 5 लाख रुपया इसके ऊपर लगाए। आप थोड़ा सा ये है कि छोटा सा पॉइंट एक बॉक्स बना लें, उसके अंदर अपना म्यार अच्छा करें। ठीक है। म्यार अच्छा करें कि जिसका मैंने वर्क किया है। आपकी रेसिपी बहुत कमाल है। हाँ जी। तो अच्छा मैंने एक रेडी पे पॉइंट लगाया था और वो रेडी से वो खड़ी हुई है। अच्छा वो किसी और को दे दी है? वो मैंने आगे सेल कर दी है। जबरदस्त। इस रेडी से मैंने ये पॉइंट स्टार्ट किया था और शुक्र और इसी से आप होटल भी बिल्ड कर लेंगे, इससे मैं ऊपर आया हूँ। सही माशाल्लाह। मैं डायरेक्ट इस पे नहीं आया। आप जैसे नौजवान लोगों के लिए हमारी यंग जनरेशन के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि आपने माशाल्लाह जीरो से स्टार्ट किया और आज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है और अपना होटल चला रहे हैं। ये बिल्कुल आपका होटल है और कल इंशाल्लाह अल्लाह करे आपको बड़ा होटल भी मिले। सबसे अच्छी ये है कि मैं 5 बजे से स्टार्ट होता हूँ और सुबह 6 बजे तक खड़ा रहता हूँ। अच्छा जबरदस्त। यानी वो लाइट सदस्य तो आप बता रहे थे कि एक तो म्यार अच्छा रखें और खतरे की चीजें कौन सी जिससे बचें? म्यार अच्छा रखें, साफ सुथराई रखें। ठीक है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा, टेस्ट आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है। तो अब रेसिपी तो हर एक की अपनी अपनी है। जी जी रेसिपी अपनी अपनी होती है, कोई अगर मुझसे लेना भी चाहेगा तो मैं उसे जरूर। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आपने बात की है। यानी अगर हमारा कोई भाई आपसे रब्ता करता है तो आप उसको प्योर इन्फॉर्मेशन जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देंगे। और कोई ऐसी बात जो आप चाहें जरूरी है लोगों के लिए? बस यही कि साफ सुथरा रहे, आप खुद भी अपने पॉइंट को भी और अगर वर्कर रखने तो उन्हें भी साफ सुथरा रखे। ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें बरकत देगा। अच्छा सर अपना नंबर बता दें अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे। मेरा नंबर है 0301-231-9493। वसीम रहमान मेरा नाम है और व्हाट्सएप का नंबर है 0316-6353-003। जबरदस्त। और ये 24 घंटे ऑनलाइन ही होता हूँ माशाल्लाह। वसीम भाई हमारे चैनल का नाम है मुमकिन है। अच्छा। हम इसमें नए से ऐसे लोगों से भी मिलवाते हैं जो माशरे में कुछ पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, इसके अलावा जो बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस आइडियाज लेते हैं ताकि लोग अपने पाँव पे खड़ा हो सकें। तो आप हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर आपके चैनल माशाल्लाह ये तो आपने बहुत अच्छा किया, एक गरीब लोगों की हेल्प कर रहे हैं आप, उन्हें अच्छी अच्छी एडवाइस दे रहे हैं। अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे और जिन्हें आप बताएं उन्हें भी कामयाब करे। सो नाइस। तो क्यों मेरे साथ मिलके एक पहुंची आज में कहें मुमकिन है। जी नाजरीन बिल्कुल मुमकिन है, आप जो चाहते हैं मुमकिन है। आप अपने ख्वाबों को अगर पूरा करना चाहते हैं तो एक कदम की देरी है, एक कदम उठाएं, सोच समझ के उठाएं और फिर उस पर डट जाएं।
तो इसी तरह वसीम रहमान भाई की तरह आप भी एक छोटी सी रेडी से एक बड़े अच्छे पॉइंट पे आ सकते हैं और अच्छी इनकम कमा सकते हैं। इनके साथ 5 लोगों का रोजगार भी जुड़ा हुआ है, इनके घर भी इनके उससे माशाल्लाह चल रहे हैं। जितने बंदे पढ़ते जाते हैं उतनी बरकत होती जाती है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि सबका भला हो सके। अल्लाह हाफिज़।